Yo guys, I am Shivarya and welcome to my channel. आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सर्वाइवल सीरीज जिसका नाम होगा माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य। ओ ओ ओ ओके ओके, स्पॉन बुरा नहीं है। वाओ, इतने सारे पॉपी भैया, लुक एट दैट गाइस, कितना ग्लोरियस लग रहा है। बड़े बड़े पहाड़, और मैं वहां पर रहना चाह रहा हूँ, हिमालय और समुद्र के बीच में, बिकॉज दैट्स वेयर माहिष्मती इज। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। किसी गाय को मार करके खा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा इस वर्ल्ड में। एटलीस्ट इस वर्ल्ड में तो मैं किसी को भी मार करके नहीं खाना चाहता, पर ये लोग मुझे मार करके खाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, कितना प्यारा सा पिग्गो है। स्टूपिड लग रहा है। तो तुम में से कौन वो लकी ट्री बनेगा, बताओ। ओह माय गॉड, ये ट्री अच्छा लग रहा है, इसको बनना चाहिए वो लकी ट्री। हमारे वर्ल्ड का पहला ट्री चॉप हुआ, तो ये हमारे वर्ल्ड का पहला ट्री है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ऐसे ही। इसको मैं बचा करके रखूंगा, लास्ट एपिसोड तक बचा करके रखूंगा। ओह माय गॉड, रात हो रही है। यहाँ पर एक शीप है तो, लेकिन मैं शीप को मार करके उसका भूल नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि किसी भी जानवर को मारना एक पाप है, इसलिए मैं किसी भी जानवर को नहीं मारूंगा इस वर्ल्ड में। मेरे पास खाना भी नहीं है, मुझे खाना चाहिए सबसे पहले तो। सीड। नो 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 नो, नॉट टुडे क्रीपर, नॉट टुडे। सीड लग जा। थैंक गॉड, लग गया। ओह नो, ये क्रीपर यहीं पे डेरा जमा के बैठा हुआ है यार। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद ऊपर के साइड पे वहां पे आयरन होगा, क्योंकि अक्सर ऊपर आयरन होते हैं। ओह नो, ओह नो, स्केलेटन 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 स्केलेटन, मैं मरूंगा। अपनी पहली रात में मर। इस गुफा में आयरन है क्या? यहाँ पे आयरन है, मुझे वुड चाहिए। और वो ज़ॉम्बी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, जिसको मैंने अभी देखा था। नो, डेड एंड, नो, अंदर का रास्ता भी नहीं है। मैं मर ही रहा था, मैं क्या ही करूंगा जिंदा रह करके। मार दो मुझे भैया, मार दो, मेरी ही गलती है मैं इसमें आया। यहाँ पे भी तो कोल है। ओके, इस बार तो टॉर्च मिल ही जाएगी, पर आयरन मिलते ही सबसे पहले तो मैं शियर बना करके बेड बनाऊंगा अपने लिए। कोयला तक नहीं लेने दे रहा यार। मैं जा रहा हूं अपने घर। यही तो वो थी गुफा। यस, ओ माय गॉड, आयरन, वाह, फाइनली शियर बना पाऊंगा और बेड पे सोने को मिलेगा। Yes, इन्हीं की तो तलाश थी मुझे। फाइनली बेड होगा सोने के लिए। ये वाला नहीं चाहिए। एक और शीप थी ना यहीं पे, भाग गई अपना वूल बचा करके। यार मैंने जानवरों को ना मारने का डिसाइड करके अपना ही गेम मिस कर लिया। मुझे घास तोड़नी पड़ रही है गेहूं के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं गाय को नहीं मारूंगा तो मैं लेदर कहां से पाऊंगा। मैं मरूंगा या बचूंगा? मैं बचूंगा। ओह माय गॉड, चपटी जमीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फार्म बनेगा और इसके ऊपर वाले सेक्शन में हमारा घर बनेगा। यार इतना जल्दी रात भी होने वाली है, अभी अभी तो दिन हुआ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये राक्षस अभी से आने लग गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई नीड अ बेड। ओह, नीचे गड्ढा खोदते हैं। ओह माय गॉड, ओह थैंक गॉडनेस। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना था? ओह माय गॉड, आई नीड अ बेड। बेड, राइट। मैंने वुड खर्च, मैंने स्टिक बनाने में वुड खर्च कर दिया। फाइनली एक टास्क खत्म हुआ। जलो वो तरा दिखता मैंने। गजब बेइज्जती है। गॉड, इतनी सारी घास। ओह माय गॉड, क्या दिन आ गए, घास लेकर के खुशी मिल रही है। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ओह नो, आई एम सो सॉरी गौ माता, आई एम सो सॉरी। मैं आपके लिए एक तबेला बनवा करके प्रायश्चित करूंगा, आई स्वेयर। ओह माय गॉड, इतनी सारी घास, मैं तो पागल हो जाऊंगा इतनी सारी घास में।
फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैंने एक डॉगी को पाला, फिर मैंने उसे ब्लैक टैग दिया, फिर मैंने दूसरे डॉगी को पाल करके उन दोनों की ब्रीडिंग कराई जिससे छोटू सा पप्पू पैदा हुआ। फिर मैंने एक एफ के फिश फार्म बनाया जिसमें एफ के करने से मुझे बहुत सारी लूट मिली और बहुत सारी एन्चेंटेड बुक्स मिली। फिर मैंने अपने वर्ल्ड के पहले दो डायमंड्स माइन किए और फिर मैं अपना घर बनाना शुरू किया। तो गाइज मैंने अपने एफ के फिश फार्म से बहुत सारी बुक्स कलेक्ट की हैं। ये सारी देख रहे हो ये सब बेकार है और इसमें जो बुक्स है ये अच्छी है, तो इन सारी बुक्स को डिसएन्चेंट करते हैं और मुझे लगता है मुझे बहुत सारी लेवल मिलने वाली है। अभी मेरी लेवल 43 है और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, किस लेवल तक। 33 बुक्स हो गई हमारे पास और हमारी लेवल देख रहे 47। ओ माय गॉड, 11 बुकशेल्स प्लस जो हमारे पास 5 पहले से थे उसके साथ मिलकर के 16 बुकशेल्स हो गए हमारे पास। और एक इंचांटिंग टेबल बनाते हैं। एएफके फिश फार्म कितना काम में आया, हमें लेवल मिल गई और हमें एक भी काऊ को नहीं मारना पड़ा और उसके अलावा हमारे पास इंचांटेड बुक भी रखी हुई है बहुत सारी। ये गया यहाँ पे, अब ये 15 हो गई, एक यहाँ पे भी रख देते हैं। हमारे पास एक एक पिकैक्स है डायमंड की और अपने डायमंड भी ले चलते हैं ना, तो ये भी ले चलते हैं, सब लेके चलते हैं, पूरा गृहस्थी अंदर शिफ्ट करनी है। मैं रिस्क ले रहा हूँ। ओह नो, एक और बना लेते हैं। इस पे क्या मिल रहा है, अनब्रेकिंग 3। क्या मैं रिस्क लू? रिस्क तो लेना पड़ेगा। Oh my God, OP, let's go. Okay, तो इसको disenchant कर देते हैं फिर। हाँ, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस पे silk touch मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। ओके, मेरे पास silk touch की एक बुक थी। ओके, देखते हैं हमारे पास silk touch मिल जाएगी एफके फिशवा में, उसमें हमें मिल जाएगी। और अब अपना घर कंप्लीट करते हैं और मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ एंचांटमेंट करता रहूंगा अपने सामान पे। और हमारे पास ओपी बो पहले से ही है, हमारे जो फार्म है इसमें बहुत सारी बोज मिली थी जिससे मैंने दो बो को कंपाइंड किया और हमारे पास ऑलरेडी ओपी बो हो गई। वन शॉट में घास मर जाता है, तो अपना घर कंप्लीट करते हैं। बना लिया है अपना घर, रुको मैं यहाँ पर चढ़ करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। टाडा, वेट, व्हाट द हेक, वेयर इज माय दूरबीन, मेरी दूरबीन कितने है? हेलो दूरबीन, ये रही मेरी दूरबीन, लेट मी शो यू विद दूरबीन, दूरबीन, ओ टाडा, ये रही वो छतरी जिसको मैं लगाना चाह रहा था। और ये रहा हमारा घर बेसिकली, ये है बाहर से और इधर साइड में ऐसा स्टेबल टाइप का दिया हुआ है, मतलब अच्छे लगने के लिए, इसका कोई खास पर्पज़ नहीं है। और यहाँ पे एक टावर है जो जिसके ऊपर छतरी लगी हुई है। ये हमारा है एंट्रेंस, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और अंदर पहुँचते ही एक आंगन है सुंदर सा, मैं इसको इंडियन टच देना चाह रहा था इसलिए मैंने टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से इसको अंदर आंगन दिया है। यहाँ पे होगा हमारा स्टोरेज रूम, मुझे स्टोरेज के अलावा और कुछ खास चाहिए नहीं, सिर्फ एक बेड रखने की जगह चाहिए। और यहाँ से है हमारा स्टेयरकेस और हम लोग आ गए छत पे जहाँ से हम लोग हिमालय देख सकते हैं। और रेंडर डिस्टेंस अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो हम लोग को और आगे का दिखेगा। और यहाँ से हमारा एक दूसरा कमरा होगा जिसके ऊपर मैं सीढ़ी लगा दूंगा ताकि छत पे जा सके। और यहाँ पे हमारा बेड होगा, यहाँ पे एक दीवार होगी तो यहाँ पे बेडरूम हो जाएगा। मैंने इंटीरियर कुछ भी नहीं बनाया तो प्लीज अभी जज मत करना। और ये जो है ये इसका कोई खास पर्पज नहीं है, अभी बस एस्थेटिक के लिए है, अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। और ये है वो छज्जा आई गेस। और अगर इसके ऊपर जाएं तो एक फ्लोर और
हमें यहाँ पे मिलेगा हमारा एन्चेंटिंग सेटअप। वाओ, आई थिंक एन्चेंटिंग सेटअप बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है, वो कि बहुत ही कमाल की बात है। मैंने उसको हिसाब से बनाया नहीं था कि एन्चेंटिंग टेबल मैं यहाँ पे रखूंगा ऐसा कुछ सोचकर। अभी मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है, मुझे यहाँ पे एक नेदर पोर्टल लगाना है जिसके लिए मैंने एक स्पेशली एक स्पेस छोड़ाया हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पर। 1, 2, 3 बोली और ये गई लाइट। आई मीन जस्ट लुक एट द आइडिया, कितना कमाल लग रहा है, बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जा रहा है वहीं पर। और ये बाहर से और भी अच्छा लग रहा है इस साइड से जैसे इसी के लिए मैंने जगह छोड़ी हो, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ये बस ऐसा लग रहा है तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पे अच्छा लगेगा। ऊपर से मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो गाइस कितना कूल लग रहा है बैकग्राउंड में ये और ऊपर से वो। अभी मुझमें इसको कुछ चेंजेस भी करने हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ लगाया हुआ था, मैंने मैक्स आउट करना था टूल और आर्मर को, जो कि मैंने कर लिया है। सब पे इंचैंटमेंट भी मैक्स हो चुकी है, सारे टूल्स मैंने बना करके इंचैंट कर लिए। और ये जो फार्म है भाई साहब, इतना ओपी फार्म है ये, इससे इतनी जल्दी लेवल मिलती है और इतनी जल्दी जल्दी हमें इंचैंटमेंट मिल जाती है, मैं क्या बताऊँ। और हमारा क्या टास्क है, बिल्ड छतरी एंड एक्सप्लेन इंजूड। ओके तो मैंने वो जो छतरी बनाई है ना, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं उसको प्रिज्मरीन और वो जो ब्लू कलर वाले नेदर ट्री होता है उससे बनाऊं, और पर भी एक स्पेशल काइंड की रूफ बनाना चाह रहा हूँ जो इंडियन आर्किटेक्चर में होगी काफी। तो दैट्स गोना बी कूल, होपफुली जब हम लोग नेदर में जाएंगे तब मैं बहुत सारी वुड ला करके उसको बना पाऊंगा। और मुझे विंडो और चेस्ट रूम बनानी है, तो मैंने तो पोर्टल इग्नाइट करना था, मैंने पोर्टल इग्नाइट कर दिया है, बहुत ही कमाल का लग रहा है। और अब मुझे इंटीरियर बनाना है, चेस्ट रूम यानी कि वहां पर चेस्ट इकट्ठा करनी है और विंडो वगैरह बनाना है, बेसिकली मुझे इंटीरियर खत्म करना है। लेकिन अभी के लिए हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और मुझे लग रहा है कि हमारा घर बहुत ही कमाल का लग रहा है, हमारे वर्ल्ड की बहुत ही कमाल की शुरुआत हुई है। पर अभी के लिए अलविदा।